क्या आपको पता है जो हम चिप्स खाते हैं वो बनता कैसे है? चलिए जानते हैं। कंटेनर में सबसे पहले आलू को उजला जाता है और ये चला जाता है धुलने के लिए। धोने के बाद ये चला जाता है छिलने के लिए और छिलने के बाद फिर से एक बार ये पोटैटो धुलता है। अब सारे पोटैटो धुलने के बाद इस कन्वेयर बेल्ट के थ्रू चल जाता है कटने के लिए और कटने के बाद फिर से एक बार सारे पोटैटो धुलता है। पोटैटो कट जाने के बाद फिर से एक बार धुलने के बाद ये चला जाता है ड्राई होने के लिए और इस कन्वेयर बेल्ट के थ्रू फिर से चल जाता है ये फ्राई होने के लिए। फ्राई हो के सारे चिप्स रेडी है, अब जाके पैकिंग हो रहा है। सारे प्रोसेस होने के बाद चिप्स पैकिंग हो रहा है और ये पैक होकर रेडी हो गया। अब चलिए खाते हैं। क्या आपको पहले पता था चिप्स बनने का प्रोसेस? कमेंट में जरूर लिख। आखिर इस लड़की को ये लड़की इतनी बेरहमी से गड्ढे में क्यों फेंकती है? दरअसल ये लड़की एक छोले कुलचे वाले लड़के के पास कुछ खाती है और पैसा नहीं देती और ऊपर से बदजबानी करती है। उसके बाद उस लड़के को दो थप्पड़ जड़ भी देती है और उसके सारे छोले कुलचे गिरा देती है। पार्क में ही खड़े कुछ लड़के गुस्सा हो जाते हैं और लड़की को भी दो चार थप्पड़ जड़ देते हैं और उठा के गड्ढे में फेंक देते हैं। फिर लड़की वहाँ से भाग जाती है। शुक्र है इस बंदे का कुछ नुकसान नहीं हुआ। वहीं खड़े लड़के इसकी जो भी खाने का नुकसान हुआ था उसका भरपाई कर देते हैं। ये अंकल जी ने अपने घर के छत में अच्छी खासे ट्रैक्टर को क्रेन की मदद से क्यों चढ़ा दिए? दरअसल ये हमारे भारत देश के पंजाब का सच्चा किस्सा है। लोगों का सपना होता है कि वो फॉर्चूनर स्कॉर्पियो खरीदे। अंकल का 30 साल का सपना था कि वो अपने घर के छत में ट्रैक्टर को डेकोरेट कराने का और वो पूरा किए भी। ये अंकल ऐसा करके वो बहुत ही खुश है। और आपको बता दूं ये ट्रैक्टर ब्रांड न्यू कंडीशन में है और रिमोट से स्टार्ट भी होता है। कुल मिला के शौक से बड़ा कोई चीज नहीं होता। और अगर आप इस अंकल के बारे में पूरा जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है पूरे वीडियो का, आप जान सकते हैं। वैसे आपका ड्रीम क्या है आप कमेंट में जरूर लिखें। एक बेजुबान जानवर का मुंह में 6 दिनों से एक केन फंस गया था उसके निचले जबड़े में। बिना खाए पिए 6 दिनों से इधर से उधर ये भटकता रहा। फिर रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म किया गया। ये बैल इतना डर गया था इंसानों से कि देखते ही भागने लगता था। 1.5 घंटे की जद्दोजहद के बाद टीम ने इसके जबड़े से उस केन को निकाला। शायद और भी देर होने से ये बैल नहीं बच पाता। ऐसे कभी भी बेजुबान जानवर को आप मुसीबत में देखें तो आप उसकी मदद जरूर करें। बीच रास्ते में डॉगी को गाड़ी मारकर चला जाता है। ये डॉगी जो इसकी माँ होती है काफी परेशान होती है लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आता। फिर अचानक दो लेडीज रोड क्रॉस कर रही होती है। यह महिला का दिल पिघल जाता है इस डॉगी को परेशानी में देखकर। फिर ये महिला अपने हाथों से इस डॉगी को बच्चे को उठाकर रोड के हटाकर किनारे ले आती है। फिर अचानक पता चलता है ये तो जिंदा है। ये महिला उस डॉगी के बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाती है। इस महिला का दरिया दिली देखकर आपका भी आंख भर आया तो कमेंट में हैशटैग रिस्पेक्ट जरूर लिख दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में और अपने रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें ताकि लोग मदद के लिए खड़े हो जाए। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ एक ऐसा घटना जो आपको अनजान लोगों से सतर्क कर देगा। दरअसल रात का टाइम होता है और दुकान में एक लड़की होती है और एक बंदा आता है एड्रेस पूछने के बहाने से। पहले वो एड्रेस पूछ कर चला जाता है और ये लड़की बहुत ही आसानी से उसे बता भी देती है कि आप इधर जाएं। थोड़ा देर आगे जाके वेट करता है किसी का और उसका साथी एक और आता है स्प्लेंडर प्लस में। उसके बाद इस बार ये बंदा फिर से आता है मोबाइल फोन में लोकेशन पूछने और इधर उधर देखने के बाद गले से चेन को मारता है और 9:02:11 हो जाता है और ये अकेली लड़की कुछ नहीं कर पाती। इसलिए आप अनजान लोगों से सतर्क रहें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि और लोग भी ऐसे लोगों से सतर्क रह सकें। पाकिस्तान का कुछ क्रिएटर पाकिस्तानी लोगों के बीच में जाके एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इंडिया का झंडा को जलाओ और आईफोन जीत कर ले जाओ। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि आप सोच भी नहीं सकते, लास्ट में देखिए। लेकिन उससे पहले आप इंडिया के किस शहर से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करें। 2.5 लाख का फोन है। बिल्कुल हो, 3 लाख का भी हो भाई। वो इंडिया जो लोग हैं वो हमारे भाई हैं, तो मैं इसको नहीं जला सकता। अरे छोटा सा तो काम है, आग लगानी नहीं, ना, नहीं लगाना, बस बोल दिया नहीं लगाना। अरे मेरे पे भड़कने की बजाय अगर इंडिया पे भड़केंगी ना। नहीं मैंने लगानी नहीं, आग ही नहीं लगानी, बस बोल दिया नहीं लगाना। मैं कहता हूँ कि आप मुझे एक की जगह 6 भी आईफोन देना तो प्यारा भाई मैं ये काम नहीं कर सकता। हमें इंडियन होने पे गर्व है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। मांग के खाएगा तो मिल जाएगा सर, लेकिन आता नहीं। अच्छा कभी मांगते नहीं आप? जरा इस 68 साल के बूढ़े आदमी का खुददारी देखिए। दरअसल ये आदमी कबाड़ चुनता है और अपना गुजारा करता है। किसी ने इससे कुछ सवाल पूछ लिए। इस बुजुर्ग के बारे में जानकर और इसकी बातें सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे और शायद इसकी बातें आपका दिल छू लेगा। मांग के खाएगा तो मिल जाएगा सर, लेकिन आता नहीं। अच्छा कभी मांगते नहीं आप? गरीब आदमी हूँ मैं, वो बेईमानी ईमानी खाता नहीं, किसी के पास जाता नहीं, मांग के खाएंगे नहीं, वैसा नहीं।
इस बूढ़े आदमी का दरिया दिली आपके आंखों में भी आंसू ले आएगा। एक भिखारी आता है दुकान पर, कुछ पैसे देता है और खाना लेता है। साइड में खड़ा होकर खाना खाने ही लगता है। कुछ ही देर होता है, एक बंदा फोन पे बात करते आता है और उसका खाना गिरा देता है। अब सारा खाना वेस्ट, लेकिन बगल में एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ रहता है। वो उठता है और अपने पास से कुछ पैसे देकर फिर से एक खाना लेता है इस भिखारी को देने के लिए, ताकि वो गिरे पड़े खाने को ना खाए। और ये बूढ़ा व्यक्ति आके उसे देता है कि उस खाने को छोड़ दो, लो नए खाने खाओ। और वो भिखारी फिर नए खाने को खाने लगता है। स्ट्रीट डॉग आता है, गिरे हुए खाने को वो खाने लगता है। इस बूढ़े आदमी का दरिया दिली देखकर आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर लिखे। आप कभी भी ऐसे किसी भी मजबूरी में देखे तो आप उनकी जरूर मदद करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ये डॉग कितना इंटेलिजेंट है आप इस वीडियो को देख के अंदाजा लगा सकते हैं। इसका मालिक इसे बाजार भेजता है कुछ सब्जी खरीदने के लिए और इसी थैली में पैसा डाला हुआ रहता है। ये डॉग जाता है और सब्जी खरीद के बहुत ही इजी चला जाता है, लेकिन दूसरे दुकानदार को कहा जाता है कि कम तौलने के लिए। इसे वो ऑरेंज खरीदने के लिए आता है, लेकिन ये कम तौल के देती है। लेकिन ये डॉग जाता नहीं वहाँ से, फिर थोड़ा देर रुक के कुछ पैतरा करता है। वो नहीं देती तो खुद से ही लेके 9:00-2:11 हो जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये डॉग कितना होशियार है। सच में जो भी इसका मालिक होगा बहुत ही अच्छी तरीके से इसे ट्रेन किया है। ये लड़की इस लड़के का एक मिनट में फैन कैसे बन गई और हैंडशेक भी किया। दरअसल एक लड़का जिम में जाता है एडमिशन करने के लिए, जिसका नाम अजय मीना है। वो बहुत ही अच्छा एक ड्रॉइंग आर्टिस्ट है। काउंटर में ये लड़की बैठी होती है। इससे फीस वगैरह पूछने के बाद वो लड़का चुपचाप बाहर आ जाता है और एक पेपर लेके उसका ड्रॉइंग बनाना शुरू कर देता है। कुछ टाइम बाद ड्रॉइंग बनने के बाद फिर से वो लड़की के पास ये लड़का जाता है और इस ड्रॉइंग को देता है। जिम में बैठी जो एडमिशन के लिए बैठी थी जो लड़की, वो इस ड्राइंग को देख के फैन हो जाती है और बहुत ही ज्यादा खुश होने के बाद इस लड़के से हैंडशेक भी करती है। सच में इस लड़के में कला तो है, किसी का भी चेहरा देखने के बाद उसका प्रॉपर ड्राइंग बना देता है। कुछ प्रैंकस्टर नकली शेर और नकली शेर का साउंड बजाकर लोगों का मजे ले रहे थे। लोगों के सामने शेर रख देते थे और वो बंदे काफी डर जाते थे। इसी तरह बहुत लोगों से मजे लेने के बाद इन लोगों का पाला पला एक बुजुर्ग आदमी से। यकीन मानिए, ये बुजुर्ग आदमी इस शेर की साउंड सुनने के बाद और उस शेर को देखने के बाद ऐसे रिएक्ट किया जैसे इससे डर ही नहीं लगता। प्रैंकस्टर मजे ले रहे थे और इस बुजुर्ग ने प्रैंकस्टर के ही मजे ले लिए। क्या हुआ जब एक चीता कुएं में गिरा हुआ मिला गांव वालों को? दरअसल एक चीता रात के टाइम पे शिकार पे निकला और कुआं ना नजर आने की वजह से वहीं पे गिर गया। गांव वालों को जैसे ये पता चला तो वो रेस्क्यू टीम को बुला ले आए। भीड़ काफी इकट्ठा हो गई। अपनी जान को जोखिम में डालकर रेस्क्यू टीम का एक बंदा कुएं में रस्सी से लटक कर उतर गया और एक बक्से में चीते को डालने की कोशिश करते हैं। काफी घंटे परेशान होने के बाद चीता बक्से में डल जाता है और फिर चीता को जंगल रिलीज करने ले जाते हैं। शुक्र है किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। किसी के फीलिंग के साथ ऐसा ना करें। एक बार बहुत भीड़ होती है और सभी लोग ट्रेन स्टेशन में ट्रेन का वेट कर रहे होते हैं। तभी कुछ ऐसा होता है जिसे जानकर आप शॉक हो जाएंगे। एक लड़का जिसे मस्ती सूझती है और वो क्या हरकत किया आप खुद देखिए। इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह में ऐसा करना भी काफी जिगरे वाला काम है दोस्तों। इस बात पे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। You're